नमस्ते बच्चों, जैसा कि हमने सोशल साइंस का 10th चैप्टर पढ़ा था पहले, जिसके अंदर हमने मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनकी जो बेसिक थी उनको हमने जाना, मिनरल्स को क्लासिफिकेशन को जाना। अब यहाँ पर जितने भी मिनरल्स जो इंडिया में मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी क्लास के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर आयरन और कॉपर, माइका, लेड एंड जिंक, ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आयरन ओर के बारे में, जिसको लो एस बोला जाता है। लो एस को बेस भी कहा जाता है, बेस और फाउंडेशन कहा जाता है इंडस्ट्रियल, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योग है, वो उद्योग जगत है, वो किस पे आधारित है, आयरन के ऊपर आधारित है। तो इसलिए हम आज इसको ये बोल सकते हैं कि आयरन ओर इज द बेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण, आधुनिक औद्योगिकरण का आधार आयरन ओर को माना जाता है। और भारत के अंदर आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिपोजिटर है आयरन ओर का, आफ्टर रशिया। यानी रशिया के बाद में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो डिपोजिट मिलते हैं आयरन ओर के, वो इंडिया में मिलते हैं, और उससे पहले रशिया में। तो भारत के अंदर जो आयरन ओर है उसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो इसके साथ साथ भारत में मिलने वाला जो आयरन ओर है वो डिफरेंट टाइप्स का मिलता है। आपको पता है ओर के जो कंटेंट्स होते हैं, आयरन के जो कंटेंट्स होते हैं, उसके बेस पे हम इनको अलग अलग ओर्स में क्लासिफाई करते हैं। तो डिफरेंट ओर्स मिलती है आयरन ओर की, उनमें जो इम्पोर्टेंट आयरन ओर हैं जो हिंदुस्तान में मिलती है, उसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लैटराइट। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर, मैंने आपको बताया कि 20% वर्ल्ड का डिपोजिट है आयरन ओर का, क्लियर, 20%। ओके, अब हम बात करते हैं भारत में आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से स्टेट वाइज। तो सबसे पहले उड़ीसा आता है, जहां पर भारत का 30% आयरन ओर का डिपॉजिट हिंदुस्तान में मिलता है उड़ीसा में। यानी अकेले उड़ीसा स्टेट में देश का 30% निक्षेप मौजूद है आयरन ओर के, और देश का करीब 20% जो प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का वो उड़ीसा से होता है। उड़ीसा के अंदर मयूरभंज, सिंह, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आयरन ओर का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ यहां से निकलने वाला जो आयरन ओर होता है उसको जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, विशाखापट्टनम और पारादीप पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक में देश का 20% आयरन ओर का डिपोजिट है। यानी आपने देखा उड़ीसा में 30% था, कर्नाटक में 20% आयरन ओर का डिपॉजिट है, और ये देश का 26% उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। यहाँ के मेन जो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा और शिमोगा, ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं आयरन ओर के लिए फेमस है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्य है, जो माइंस है, जो खदान है, जहां से मिनरल निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है जो माइंस, उनमें बाबा बोधन हिल्स, कुंडरमुख माइंस, कैमन मुंडी, और ये माइंस है जो इंपोर्टेंट माइंस है कर्नाटक की। यहाँ पर इंपोर्टेंट आयरन स्टील प्लांट भी स्टेब्लिश है, जिनमें विजयनगर स्टील प्लांट और भद्रावती स्टील प्लांट। अब हम अगला जो लेंगे वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है आयरन ओर का, ये छत्तीसगढ़। ये यहां पर अगर हम देखें तो जो टोटल डिपॉजिट है वो 16% डिपॉजिट है इंडिया का इस यहां पर छत्तीसगढ़ में, और ये देश का 15.2% का उत्पादन करता है आयरन ओर का। यहाँ के जो मुख्य जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आयरन ओर का उत्पादन करते हैं, उसमें बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर और राजनांदगांव, ये आप नाम सुने होंगे अक्सर। ये नक्सल प्रभावित यानी नक्सल अफेक्टेड रीजन हैं छत्तीसगढ़ के, जहां नक्सली एक्टिविटीज होती हैं।
दोबारा बता देता हूँ, बस्तर, दुर्ग, इस दंतेवाड़ा, बिलासपुर और राजनांदगांव। इसके साथ साथ यहाँ की मुख्य माइंस, जो छत्तीसगढ़ की मुख्य माइंस हैं, उसमें डाबली, राजहरागंज और बैलेडीला। बैलेडीला इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ द एशिया, एशिया की सबसे बड़ी माइन है बैलेडीला। ओके, इसके साथ साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट है गोवा। गोवा के बारे में हम बात करें तो गोवा के अंदर जो देश का 13.15% का टोटल उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर मिलने वाला जो आयरन ओर है वो लिमोनाइट और लैटेराइट है। इसके साथ साथ सीडेराइट है, जो लो ग्रेड का आयरन है, लो क्वालिटी का आयरन है, जो मैग्नीज के साथ में मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ से जो आयरन ओर है स्पेशली एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को, यहाँ के मारमा गोवा पोर्ट के थ्रू। क्लियर, यहाँ पर लो ग्रेड का गोवा के अंदर, गोवा जो है चौथे नंबर का था, फोर्थ और स्टेट है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ की जो आयरन ओर है उसकी ग्रेड है वो लो है, मिक्स मिलता है मैग्नीज के साथ में, और यहाँ से निकलने वाला आयरन ओर है उसको जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है मारमा गोवा पोर्ट से। अब लास्ट जो है मैं बता रहा हूँ झारखंड, जो झारखंड है ये देश का पांचवा सबसे बड़ा स्टेट है आयरन ओर के डिपॉजिट का, और ये देश का 10.10% का उत्पादन करता है। यहाँ से मिलने वाला जो आयरन ओर है वो है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। यहाँ पर दो किस्म की वैरायटी मिलती है आयरन ओर की, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। यहाँ के मुख्य जो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो उसमें सिंहभूम और पलवाऊ, ये दो जिले हैं जो आयरन ओर का उत्पादन करते हैं। यहाँ की माइंस की बात करें, खदानों की बात करें तो उसमें नुआमुंडी, गुआ और डाल्टनगंज, ये तीन माइंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में, इस जगह पर यानी झारखंड में जो इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश हैं उनमें कल्टी, बरनपुर, बोकारो और जमशेदपुर है। इस तरीके से हमने ये देखा है आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन को। इसको और अच्छे तरह से करेंगे आप, ये बड़े क्वेश्चन बन सकता है इसके।